सो व्हाट इज़ अप यूट्यूब। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मेरे घर से। अभी मैं थोड़ा आगे जाके बताता हूँ कि मैंने अपना लगेज कैसे बांधा है, अपना बाइक का जितना भी कुछ है लगेज वगैरह कैसा है, मैंने कैरी कैसा है, मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा घर का। क्या चाहिए डॉगीज? तो हम मेरे साथ निमिष आ रहा है, तो हम मिल रहे हैं विवियाना मॉल का जो ब्रिज है उसके नीचे मिलने वाला है। मीटिंग पॉइंट 6 बजे का रखा था बट अभी 6:30 तो मुझे हो गए। और जो भी है राइड एकदम आराम से होनी चाहिए। तो मैं जहाँ हमको मिला मैं वहीं पे वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अभी कोई दिखाने का है नहीं। आई होप कि ऑडियो ठीक ठाक ही आ रही होगी। हेलो व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं 6:18, निकलने का टाइम था सुबह के 6 बजे, पर थोड़ा लेट हो ही गया है। ये 2-4 दिन का राइड है तो थोड़ा चलता है। तो मेरे साथ आ रहा है निमिष, फ़िलहाल तो निमिष है, उसके बाद 2 और बंदे ज्वाइन करेंगे। तो मैंने सैडल बैग रखे थोड़ा संभाल कर। विवियाना मॉल के वहाँ मुझे निमिष मिलेगा और वहाँ से हम दोनों कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स अहमदाबाद। और अहमदाबाद से जो है 2 बंदे और ज्वाइन करेंगे, केतन और अभी उसको मुझे नाम पूरा पता नहीं है, तो वो ऐसे पिलियन ज्वाइन करेंगे। वो उनकी सेपरेट कोई मोटरसाइकिल नहीं है। अरे यार मैंने यहाँ से निकाल दी बाइक। भाई घर पे क्या बोला? जाओ बिंदास। क्या कुछ बोला? नहीं नहीं जाने का कुछ। क्या घर पे कोई कुछ बोला नहीं क्या? क्या जाने के लिए सर? इतना लंबा इतना ये तेरा फर्स्ट टाइम है ना? ठीक से जा, ठीक से आ। हाँ घर पे लेकिन तूने अभी बांधा क्या? अभी तूने अभी बांधा क्या? अभी 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 बांधा है जस्ट। अच्छा रात को बांध के रखने का ना? कंपनी में थी ना। अच्छा पैकिंग भी नहीं हुई थी रात को, 1 बजे पैकिंग खत्म हुई। मैंने रात को ही बांधा था। अब कल के टेंशन नहीं करते था इसके लिए। रात को ये लगा दिया, सो गया जाकर पे जाके। सुबह सुबह उठ के कौन लगाएगा? तो ये पीछे कोई बैठा था, तेरा बैग, मेरा बैग बैठा ना यहाँ पे। हाँ ये है ना, छिपा जाएगा। सो द राइड हैज ऑफिशियली स्टार्टेड। और निमिष अपना भैया निमिष भाई आ चुके हैं। He is on Ninja 300। यार बहुत सेक्सी बाइक है। तो अभी सनराइज भी हो चुका है और लाइट भी है। अभी यहाँ से हमारा प्लान है कि हम अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद से वहाँ पे एक अहमदाबाद से वहाँ पे स्टे लेंगे और उनके नेक्स्ट डे हम निकलेंगे रणकच के लिए। तो इतना हमने हेक्टिक रखा नहीं है, आराम से आएंगे। ये भाग भाग के जाने का कोई मतलब नहीं है। ठंडा नहीं, इतना सरप्राइजिंग ठंडा नहीं, मुझे लगा ठंडा होगा बट इतना ठंडा नहीं है। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने सैडल बैग्स लगा रखे हैं। ज़्यादा काट कूट करूँगा नहीं वरना अब साथ में लेके जाऊँगा किसी को। निमिष बॉय कितना भी जल्दी निकलो ट्रैफिक मिलेगा ही। अरे घोड़बंदर रोड
अरे भाई ये ट्रैफिक कब साथ छोड़ेगी, यहाँ भी ट्रैफिक है। ट्रैफिक छोड़ो, ये व्यू देखो यार, बहुत सही व्यू है। समझ में नहीं आ रहा इतने टाइम बाद मोटोरोला कर रहा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ बाइक पे, कुछ क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं रहा। तो जस्ट अभी चार रोटी टोल क्रॉस किया है। GoPro की बैटरी डेड हो गई थी, इसके लिए रुकना पड़ा बैटरी अब चेंज करने के लिए। बाकी राइड तो बहुत स्मूथ जा रही है। और क्या रोड्स है यार। हाँ हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। तो ब्रेकफास्ट इधर ही करेंगे अहूरा में, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ से। निकला बहुत बार हूँ बट कभी गया नहीं हूँ। A few moments later. हाँ तो ये नॉन वेज भी है, ये प्योर वेज है, चलेगा जो उधर बैठेंगे ना। तो वी आर नॉट गोइंग टू अहूरा, शी इज नॉट। तो बहन मस्त दबा के नाश्ता कर लिया, चार से पांच सैंडविच दबा लिए, कॉफ़ी पी ली, मज़ा आ गया भाई। अब जो दो तीन घंटे रुकने की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी अहमदाबाद यहाँ से अराउंड 420 किलोमीटर है, इतना घाई नहीं कर रहे हम लोग, आराम से ही जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत टाइम है अहमदाबाद जाकर रुकना ही, नाइट से नाइट स्टे ही लेना है तो इतना हमको घाई नहीं है। सो लेट्स गो, अभी दो तीन घंटे रुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बट मुझे बगैर बैटरी बदलने के लिए रुकना पड़ेगा, वो मेन लॉज है। महाराष्ट्र चेक पोस्ट के बाहर एंटरिंग गुजरात, एंटरिंग गुजरात। इस्कॉन फार्म, एक बार मुझे इस्कॉन फार्म भी जाना था। इस्कॉन मंदिर जो है बहुत फेमस है गुजरात का, एक वो भी पूरी करनी है अगर मौका मिलेगा तो जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे अगर मौका मिलेगा तो। वेलकम टू वापी, वापी में आपका स्वागत है। तो वापी पहुंच चुके हैं, सरप्राइजिंगली गर्मी इतनी बड़ी नहीं है, ऑलमोस्ट 11 बजे पर गर्मी इतनी नहीं है, प्लेजेंट मौसम है, मज़ा आ रहा है इतना। भाई फूल कर दो, कितना ऐसा है 96। तो अराउंड 9 लीटर फ्यूल गया, मुझे लगा खाली हुआ है पूरा, पर 2 लीटर था। भाई तेरा भरा ले, तेरा फूल है, तेरा भरा ले। एचपी बन गया, एचपी पावर, चल ठीक है। और अच्छी बात यह कि गर्मी इतनी नहीं पड़ रही, गर्मी अगर होती तो भैया लग जाते, बोलता हूँ लग जाते, एल लग जाते एल। गिटार, no, this is not guitar, this is what it is, I don't know. So Ahmedabad is more 216 kilometers right now. ये जगह अंकलेश्वर है, थोड़ा हम रुके यहाँ पे फोटोग्राफ्स लेने के लिए, काफ़ी सही जगह है। वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा, वाह भाई क्या रो, यहाँ से आ जा।
ये जो ये ब्रिज, जब हम रात को आएंगे तो रात को इसका अलग ही रूप होता है। रात को यहाँ पे लाइट चमकती है, बहुत सुंदर लगता है रात को। खैर, और ये रही नर्मदा नदी, कौन सी जगह है ये, शायद से इस्कॉन फार्म है। और मस्त बना है ना, मस्त बना है। पिंक क्या है ये, स्वामीनारायण गुरुकुल कंधारी। वो देखो कच्छरे का पहाड़, अरे भाई बहुत बड़ा ये तो। तो देख कचरा ही कचरा, जितना चाहिए उतना कचरा। तो अभी बज रहे हैं, अभी हो रहे हैं 3:50। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ट्रैफिक बहुत है तो हम दोनों आगे पीछे हो गए हैं। मैं आगे आ गया और निमिष थोड़ा पीछे रह गया है, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और अहमदाबाद अराउंड अभी 110 किलोमीटर और है, आराम से हम पहुँच जाएंगे। लगभग 6 बजे तक हम लोग को पहुँचने का टाइम शेड्यूल है, 6 बजे तक हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। अभी कुछ खाने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि थोड़ी सी भूख लग रही है। A few moments later. Later. Much, much, much later. Hi, boy. डालूंगा मैं वीडियो, चल। तो यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम के लिए रुके थे हम लोग, और ये भाई लोग आ गए। इन्होंने पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है, बता दे आपको ना यार अपना। लुक एट द सन, ऐसे लग रहा है ऑरेंज ऑरेंज संतर जैसा। फेस टू फेस मियाँ, अहमदाबाद पहुंच गए तुम। अहमदाबाद पहुंच के ढोकला खाएंगे मियाँ, फाफड़ा जलेबी खाएंगे मियाँ। जब मेरे को दाल वड़ा खाना, दाल वड़ा, दाल वड़ा और ये गोटा, वो मेथी का भजिया आता है, माय गॉड क्या थे, वो मुझे खाना है भाई। 10 किलोमीटर के लिए आधा घंटा बता रहा है भाई, क्या ट्रैफिक है। भूरे पसे बेटा, बहुत भूरे पसे।